कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी इयर रिंग कलेक्शन। हाँ जी, मुझे इयर रिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है और मेरे पास भर भर के इयर रिंग हैं, और मैं आप लोगों के साथ आज वही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखें कि मेरे पास कितने सारे इयर रिंग हैं जो जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है। ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है मैंने। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जितने भी इयरिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने वो कोई भी कंपनी से परचेज नहीं किए हैं, कोई भी ऐप से नहीं परचेज किए हैं। अमेजोन, पर्पल, किसी भी ऐप से मैंने परचेज नहीं की है। ये इयरिंग मैंने अपने यहीं गुड़गांव में लोकल मार्केट से ली हैं, और जो इयरिंग की मुझे 100 के नीचे की पड़ी, यानी कि 100 से नीचे की मेरे को ये इयरिंग पड़ी, 100 से ऊपर की नहीं। तो आप लगा सकते हैं कितने सस्ते में मुझे ये इयरिंग मिली। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कैसे कैसे मेरे पास इयरिंग हैं। ये देखिए गाइस, ये इयरिंग बहुत प्यारे मुझे लगे, और भी एक बीच में काफी ज्यादा ट्रेंड था इन इयरिंग का, तो मैंने भी अपने लिए ये परचेज की, और ये मुझे पड़े 120 के, मतलब कि 120 रुपए के। तो देखिए आप लोग, काफी अच्छे लगते हैं मुझे ये, और वैसे भी हम इनको ज्यादा पहन के नहीं जा सकते हैं, बस ये शादी पार्टी के लिए ही अच्छे लगते हैं। तो एक मेरे पास ये है, वहीं दूसरी इयरिंग जो मैंने ली थी वो यहीं गुड़गांव के सदर बाजार से ली थी। वैसे भी काफ़ी सारी मेरी जो इनमें इयरिंग है वो सारी गुड़गांव के सदर बाजार की हैं। तो दूसरी है मेरी ये, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी वेबसाइट पे ये इयरिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती है, और इसका जो प्राइस होता है वो 200 से ऊपर का होता है। तो मैंने जो ये लिया है ये 100 रुपीज़ में मुझे मिला हुआ है, देखिए गाइज आप, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने तो ये 2-3 शादियों में पहन चुकी हूँ मैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि हाँ बहुत अच्छी इयरिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इयरिंग पसंद है। थोड़ी बहुत हैवी है ये इयरिंग, ज़्यादा हैवी हम इसे बोलेंगे नहीं, लेकिन आप लगभग 3-4 घंटे तक तो इसे पहन के रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की इयरिंग है, और काफ़ी अच्छा लगता है इयरिंग पहन के। तो सेकेंड तो मेरी ये थी, वहीं थर्ड इयरिंग है मेरी ये भी काफी हैवी इयरिंग है, और ये मुझे थोड़ी महंगी पड़ी। ये मुझे आप लगा सकते हैं 150 के आसपास की पड़ी है। इसमें मुझे सिर्फ इयरिंग ही नहीं बल्कि ये टीका भी मिला है, और साथ ही साथ नेकलेस भी मिला हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसका मुझे पूरा सेट मिला था, तो आप लोग देख सकते हैं ये है इसके गले का, और ये है इसका टीका। ये मैंने मैं भी अपने देवर की शादी में पहना था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन गाइज इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये इयरिंग ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन सकते हैं, कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये बस शादी पार्टी या किसी के रिसेप्शन में आप लोग जा रहे हैं तभी आप लोग इसे पहन सकते हैं, अदरवाइज नो। इसके बाद चौथी जो इयरिंग मेरे पास है गाइस वो है ये, काफी ज्यादा अच्छा वर्क है इसमें, और साथ ही साथ इसका कलर वाइट है, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सिल्वर वर्क, और साथ में ये इसमें छोटे छोटे मोती के दाने लगे हुए हैं, और जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में या किसी का एनिवर्सरी पार्टी है तो आप लोग इसे पहन सकते हैं। और भी आप अगर आप लोग टीनेजर हैं या फिर आप लोग मैरिड हैं, गाइज आप लोग कोई भी ड्रेस डालो, चाहे वो रेड कलर की हो, येलो हो, पर्पल हो, कोई भी कलर की अगर आप लोग ड्रेस डालते हो और उसमें अगर आप लोग वाइट कलर के ऐसे इयरिंग पहनते हो तो आप लोग लगा सकते हैं 4 चांद लग जाते हैं। बहुत प्यारा ये इयरिंग लगता है, और वैसे भी वाइट कलर की जो भी इयरिंग होती हैं काफ़ी अच्छी लगती है, और हर ड्रेस से मैच कर जाती हैं।
तो ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये देखा होगा, मैंने इन ईयर रिंग को पहना था। ये भी मुझे बस मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, 100 रुपीज में मुझे ये मिली थी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक मेरे पास ये है, ये भी काफी अच्छा लगता है मुझे, ये मैंने काफी बार पहन लिया है। मेरी वीडियो में मैंने अभी तक नहीं पहना है, बट मैं वैसे मैंने काफी बार इसे पहन लिया है। ये भी मुझे 80 रुपीज में मिले हुए हैं और काफी ज्यादा अच्छा है, और ये एक बीच में काफी ज्यादा चले हुए थे ये रिंग, देख सकते हैं आप लोग। ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है गाइस। साथ ही साथ मुझे ये इयर रिंग के साथ साथ इसमें मुझे टीका भी मिला था। अभी वो टीका मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है टीका इसका कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं टीका नहीं दिखा पाऊंगी आप लोगों को। लेकिन टीका भी सेम ऐसा ही है। ये हम साड़ी और अगर आप लोग सूट पहनते हैं, पटियाला सूट वगैरह पहनते हैं, तो उसमें भी ये काफी अच्छा लगेगा। तो ये एक इयर रिंग ये है। उसके अलावा मैं अभी मैं आप लोगों को जितनी भी मैंने इयर रिंग दिखाई सारी है भी दिखाई है, एक दो और हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक इयर रिंग ये है गाइस, देखिए आप लोग, ये झुमकी वाली बहुत प्यारी इयर रिंग है गाइस, ये देखिए। ये इयर रिंग मैंने ली थी करवा चौथ पे जब 2016 में जब मेरा सेकंड करवा चौथ था तब मैंने ये लिया था और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली है और ये भी मुझे पड़ी 100 रुपीज के आसपास की। तो वैसे तो महंगी थी ये, बट हमने थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवा के 100 रुपीज में इसे परचेज किया था। बहुत अच्छा है इसका कलर, मुझे लगा भी हम किसी साड़ी में पहन सकते हैं, रेड कलर भी हर एक साड़ी में चल जाता है। तो ये इयर रिंग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं 2-3 बार इस इयर रिंग को यूज कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट इयर रिंग ये थी मेरी। अब गाइस ये तो जितनी मैंने आप लोगों को दिखाई वो सारी इयर रिंग मेरी हैवी थी। अब मैं आप लोगों को हल्के हल्के इयर रिंग दिखाती हूँ जिन्हें हम डेली बेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं इनसे। तो ये है मेरी इयर रिंग, ये मल्टी कलर में, और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, काफी सारे लोग इन्हें लेते हैं। और ये जो मुझे इयर रिंग पड़ी है ना गाइस, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, ये मुझे पड़ी है 30 रुपीज में, 30 रुपए में मुझे इयर रिंग मिली है। यकीन नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन रियल है, ये मुझे 30 रुपये में मिली है और बहुत अच्छी इयर रिंग है। साथ ही साथ मैंने इसे काफ़ी बार पहना भी है, मे बी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा मैंने इसे पहना हुआ है। और ये हमारे सारे सूट, अगर हम जीन्स पहनते हैं जीन्स में भी चल जाती है, साड़ी में पहनते हैं तो साड़ी में भी चल जाती है, इसे भी हम डेली बेस पर पहन सकते हैं। बहुत ही हल्के हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत हल्के हैं। और ये धागे से इसमें वर्क किया गया है, देखिए आप लोग, धागे से इसमें वर्क किया गया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हल्के में सबसे फर्स्ट मेरा ये है। सेकंड मैं आप लोगों को बताती हूँ, सेकंड गाइस मेरी इयर रिंग है ये गोल्डन कलर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इयर रिंग है और बहुत हल्की इयर रिंग है। भले ही इसमें दिख रहा होगा कि नहीं बहुत हैवी है, लेकिन बहुत हल्की है, इससे अगर हम जींस के ऊपर पहनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा पहन के भी दिखा दिया है आपको, वैसे मैं आप लोगों को पहन के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी गोल्ड के डाले हुए हैं, तो मैं निकाल के इसको दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों को। आप लोग ऐसे देखिए, ये बहुत प्यारा लगता है। और ये इयर रिंग भी मुझे काफ़ी सस्ती मिली है, ये भी मुझे 30 रुपीज़ के आसपास की मिली है। वही गाइस तीसरी इयर रिंग है मेरी ये, देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है। और इसमें सारे जो ये आप लोगों को स्टोन दिख रहे होंगे ना, सारे मल्टी कलर के स्टोन है, किसी भी सूट साड़ी जीन्स में आप लोग इसे पहन सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का ये है, इसमें एक मिरर लगा हुआ है और ये बहुत ही हल्के हैं गाइस, बहुत ज़्यादा हल्के हैं, ये देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा हल्के हैं। दिखने में ये भले ऐसे लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होंगे, लेकिन ये हैवी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हल्के हैं। इसे भी मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो नेक्स्ट मेरा ये था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और, वो है ये देखिए, ये भी आप लोगों ने मेरी काफ़ी सारी वीडियो में इस इयर रिंग को देखा होगा,
सॉरी इस इयररिंग को देखा होगा, ये इयररिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है और ये भी मल्टी कलर में है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं मल्टी कलर इसलिए ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कितनी इयररिंग लूँगी, एक ही इयररिंग ले लूँ तो सारे ड्रेस में मैच कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेती तो एक हूँ ये सोच के कि सारे ड्रेस में मैच हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाती हूँ ना, फिर मन करता है कितने और लूँ। ये सब लेडीज़ के साथ होता है, मेरे साथ ही अलग सा नहीं है, सबके साथ होता है। और सामने भी मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं कि हाँ बोल दे तो ऐसा ही। ये इयररिंग भी मुझे लगभग 90 रुपये के आसपास की पड़ी है, 100 की थी, 10-10 रुपये उसने कम किए बंदे ने और 90 रुपये के आसपास की मिली है। बहुत हल्की है, दिखने में भले ही बहुत हैवी लग रही है लेकिन बहुत हल्की है। तो एक ही है, उसके बाद गाइस नेक्स्ट है ये। ये भी काफ़ी ज़्यादा चली हुई थी एक बीच में, तब से मेरे पास ये हैं और वैसे भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं क्योंकि मुझे थोड़ा ये अच्छे नहीं लगे उतने खास, पड़े हुए हैं मेरे पास, कभी कभार पहन लेती हूँ अदरवाइज नहीं पहनती हूँ। और ये भी मुझे 40 रुपये के अकॉर्डिंग मिले थे। तो एक ये है, वो है ये, देखिए आप लोग कितनी प्यारी है। ये एक बीच में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, एक बीच में क्या आजकल भी ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इसे हमें इस तरीके से पहनना होता है और इसके जो ये झूमर है इसको इस तरीके से डालना होता है। देखिए आप लोग, बहुत प्यारा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसे भी मैंने एक दो बार यूज़ किया है और ये मैंने यहीं लोकल मार्केट से ली है और ये भी मुझे 90 रुपये के आसपास की पड़ी थी। ये देख सकते हैं आपके, ये दो शर्ट में है इसके, ये तो ये भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके बाद गाइस एक ये है मेरे पास पिंक कलर में, ये भी मैं डेली बेस पे कभी कभार पहन लेती हूँ, जब मेरा गोल्ड पहनने का मन नहीं करता तो मैं इसे पहन लेती हूँ। ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मुझे पड़े हैं 20 रुपीज़ में, यानी कि 20 रुपये में। विश्वास नहीं हो रहा ना, नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है इसकी, ये बहुत ही हल्के हैं, ब्लू कलर के हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे अपने एक ड्रेस के लिए, एक सूट थी मेरे पास, उस सूट के लिए चाहिए था तो मैंने ये लिया है और आपको विश्वास नहीं आएगा गाइस, ये हैं 15 रुपये के। देखिए यकीन नहीं आ रहा होगा, 15 रुपये के हैं ये, सच में 15 रुपये के हैं। ये देखिए आप लोग, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है और बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यारा लगते हैं। ब्लैक में आप लोग देख सकते हैं, इसके नीचे ब्लैक स्टोन है, बहुत प्यारा है ये इयररिंग, काफ़ी ज़्यादा प्यारे इयररिंग है। इसे अगर आप लोग, इसे हम जीन्स में डाल सकते हैं या हमने कोई सिंपल सी साड़ी पहनी है उसके ऊपर हम इस इयररिंग को पहन सकते हैं, बहुत प्यारी इयररिंग लगती हैं। तो ये भी मुझे जो पड़ा था 75 के आसपास की मुझे ये रिंग पड़ेगी। उसके बाद गाइज एक और इयररिंग है, वो है ये। ये इयररिंग मेरे एक सेट की थी बट सेट मेरा अभी टूटी है, लेकिन इयररिंग अभी बची हुई है। तो ये इयररिंग भी मुझे, मतलब इसका पूरा जो सेट मुझे मिला वो मुझे मिला था मे बी 100 या 110 के आसपास का। तो इसकी जो गले का नेकलेस था वो टूट गया है, तो इसकी इयररिंग मैं अभी भी पहनती हूँ, भले नेकलेस नहीं है लेकिन इयररिंग पहनती हूँ। इयररिंग काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, मल्टी कलर में है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है मेरा ये इयररिंग। देखिए कितने प्यारे इयररिंग है ना। आप लोगों ने, अगर आप लोग सीरियल देखते होंगे तो आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा जिसे सात फेरे करके था, तो उसमें एक लड़की थी सलोनी, उसकी जेठानी ऐसे इयररिंग पहनती थी। तो जब मैं उस सीरियल को देखती थी तो मुझे ये होता था कि नहीं मुझे भी ऐसे इयररिंग पहने, और उसी टाइम पे ही चलते थे लगभग, आप लोग लगा सकते हैं। वो सीरियल आता था 2008 या 2009 के आसपास, उस टाइम पे आता था वो सीरियल, तो उस टाइम पे ऐसी इयररिंग चलती थी जिसे इस तरीके से पहनते थे, आप लोग देखा होगा। और यहाँ से जिसे हमें ये कान में डालना पड़ता है इस तरीके से, और जो ये होता है इसको कान के पीछे से ऐसे डालना होता है। ये देखिए आप लोग, इस तरीके से हमें ये डालना होता है। तो ये इयररिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे पसंद आई थी और मैंने उस टाइम पे ये इयररिंग ली थी, तब से मेरे पास ये इयररिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। आप लोग देख सकते हैं थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये इयररिंग, और अभी भी अगर मैं इसे साड़ी में पहनती हूँ बहुत अच्छी लगती हूँ। तो ये इयररिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे अभी इसका प्राइस याद नहीं है कितने में मुझे मिला था, बट ये इयररिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
इसके बाद गाइज आती हूँ मैं अपने नेक्स्ट जेन पे, तो नेक्स्ट है मेरी ये। आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के कानों में देखा होगा ऐसी झुमकी बहुत चली है आजकल, आजकल तो हर कोई लड़की से डालती है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया और ये मुझे पड़े हैं 50 रुपीज़ के आसपास के। उसके बाद गाइस जिन इयरिंग को मैं अपने डेली बेस पे घर में पहनती हूँ, जब मैं गोल्ड नहीं पहनती हूँ, तो मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ। तो उनमें है फर्स्ट ये देखिए, वाइट स्टोन है इनमें और गोल्ड है ये है, ये मुझे पड़े हैं 20 रुपीज़ के आसपास के। दूसरा है गाइस ये मल्टी कलर है और ये भी मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ के आसपास के। आप लोग देख सकते हैं इसका पूरा कलर निकल चुका है और आप लोगों ने वीडियो में भी देखी होगी मेरी, मैं इसे पहनती हूँ बहुत ज़्यादा। वहीं तीसरा जो है वो है ये गोल्डन और वाइट कलर में, ये भी मुझे 15 रुपये के आसपास की मिली है, 15 रुपये लगा लो, 15 रुपये में मिली है, 20 की थी 15 में लाई हूँ, ये देखिए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो है वो है ये भी मुझे उसी के प्राइस के मिली है, 15-20 के लगभग की, ये भी मल्टी कलर में है। और इसके बाद है ये भी मुझे उसी प्राइस में मिली है। तो गाइस फाइनली इतनी सारी इयरिंग है मेरे पास और सारी इयरिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है, पहनती तो मैं हूँ ही ज़्यादा क्योंकि कहीं जाना वाना होता नहीं है, ज़्यादा शादी पार्टी में भी जाती नहीं हूँ, लेकिन इयरिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है इसलिए इतना रखा हुआ है। और आप लोगों ने देखा ही होगा सबसे ज़्यादा इयरिंग मेरे पास झुमके वाले हैं क्योंकि मुझे झुमके वाले इयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, गोल्ड में मेरे पास झुमके वाले इयरिंग नहीं हैं, तो डुप्लीकेट में ही मैंने झुमके वाले इयरिंग ले लिए हैं क्योंकि झुमके वाले इयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद लगते हैं आजकल, तो हर कोई आप लोग लगा सकते हैं, एक ट्रेंड सा बन गया है झुमके वाले इयरिंग पहनने का। तो गाइस इतना सारा मेरी इयरिंग कलेक्शन है, आई होप आप लोगों को मेरा ये इयरिंग कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं अपने लिए नए नए इयरिंग लाना या आप लोग अपने पास रखते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये इयरिंग कलेक्शन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।